गाय की पूजा क्यों की जाती है और गाय के किस अंग में कौन से देवता वास करते हैं। ज्ञान वर्धक कथा। जय श्री कृष्ण बंधु, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो का प्रसंग बहुत ही ज्ञान वर्धक एवं रोचक है, अतः आप इस प्रसंग में जानेंगे कि हमारे सनातन धर्म में गाय को पूज्य क्यों कहा गया है, अर्थात गाय की पूजा क्यों की जाती है और गाय के किस किस अंग में कौन कौन से देवता वास करते हैं, तो जानते हैं इस प्रसंग के द्वारा। परंतु हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें और यदि हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन भी दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए अब ज्यादा विलंब न करते हुए इस प्रसंग पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद ने पूछा अपने पिता ब्रह्मा जी से कि हे पिता, दुनिया में सनातन धर्म में गाय को पूज्य क्यों कहा गया, अर्थात गाय की पूजा क्यों होती है और गाय के किस किस अंग में कौन कौन से देवता वास करते हैं। नारद की बात को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा पहले भगवान के मुख से महान तेजोमय पुंज प्रकट हुआ, उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई, तत्पश्चात कृमसा अग्नि गौ और ब्राह्मण ये पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और भवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से चारों वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हवस ग्रहण करते हैं और हवस यानी घी गौओं से उत्पन्न होता है, इसलिए ये चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो ये सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता, यही सदा जगत को धारण किए रहते हैं, जिससे स्वभावता इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है, सब प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौओं की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र कर देती है। गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंच गव्यों का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता, इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय है। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान होता है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव बनाए रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में जब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अच्छे स्वर्ग का सुख भोगता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय हैं, जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी वंदनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गौएं दूध और घी प्रदान करने वाली हैं, वे घृत की उत्पत्ति स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण हैं। वे घी की नदियां हैं, उनमें घी की भमरें उठती हैं। ऐसी गौएं सदा मेरे घर पर मौजूद रहें, घी मेरे संपूर्ण शरीर और मन में स्थित हो। गौएं सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अंगों को गौओं का स्पर्श प्राप्त हो, मैं गौओं के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और सवेरे के समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से उसके सब पापों का क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जैसे गौ आदरणीय है वैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण है वैसे भगवान विष्णु हैं, जैसे भगवान विष्णु है वैसे ही श्री गंगा जी भी हैं। ये सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौएं मनुष्यों की बंधु हैं और मनुष्य गौओं के बंधु हैं। जिस घर में गौ नहीं है
वह बंद रहित ग्रह है। छह अंगों पदों और क्रमों सहित संपूर्ण वेद गहों के मुख में निवास करते हैं। उनके सींगों में भगवान श्री शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गहों के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुण, जिह्वा में सरस्वती देवी, अपान गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूर्त स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, बाम पार्श्व में तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रमाने की आवाज में प्रजापति और थनों में भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। तो जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है वह मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौओं के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा जाता है। ब्रह्मा जी के ये शब्द सुनकर के दोस्तों नारद जो थे उन्हें ज्ञान हुआ कि गाय की इसीलिए पूजा की जाती है और इसीलिए पूज्य कहा गया है और इसीलिए गाय के प्रत्येक अंग में प्रत्येक देवता वास करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये प्रसंग? अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करना, हो सके दूसरों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।